हेलो टेंथ क्लास, आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्लीन द वाउंड, जख्म साफ करना। क्लीन द वाउंड, वाउंड कहते हैं जख्म को। क्लीन द वाउंड, जख्म साफ करें। रिंस आउट द वाउंड विद क्लियर वाटर, रिंस आउट धोएं। द वाउंड, जख्म को विद क्लियर वाटर, साफ पानी से, जख्म को साफ पानी से धोएं। टू क्लीन द एरिया, टू क्लीन साफ करने के लिए द एरिया, जगह। अराउंड द वाउंड, जख्म के इर्द गिर्द। यूज, इस्तेमाल करें सोप साबुन एंड अ वॉश क्लॉथ और छोटा तौलिया या साफ़ी। ज़ख़म के इर्द गिर्द का इलाका साफ करने के लिए साबुन या साफ़ी इस्तेमाल करें। वाश क्लोथ, साफ़ी। बट सोप कैन इरीटेट द वाउंड, बट लेकिन सोप साबुन कैन इरीटेट, सोजिश पैदा कर सकता है द वाउंड, ज़ख़म पर। लेकिन साबुन से जख्म पर सूजन आ सकती है। सो ट्राई टू कीप इट आउट, सो लिहाजा ट्राई, कोशिश करें टू कीप इट आउट, इसे दूर रखने की, ऑफ द एक्चुअल वाउंड, असली जख्म से। लेकिन साबुन से जख्म पर सूजन आ सकती है, इसलिए इसको असली जख्म से दूर रखने की कोशिश करें। लेकिन साबुन से जख्म पर सूजन आ सकती है, इसलिए इसको असली जख्म से दूर रखने की कोशिश करें। इफ डर्ट और डेब्री रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, यूज ट्वीजर्स क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। इफ डर्ट मिट्टी, अगर मिट्टी, एंड डेब्री कहते हैं मलबे को, छोटे छोटे कंकर, रिमेन्स रह जाए इन द वाउंड, जख्म में, आफ्टर वॉशिंग धोने के बाद, यूज ट्वीजर्स मोचने को कहते हैं, मोचना इस्तेमाल करें, क्लीन्ड विद अल्कोहल से साफ़ किया हुआ, टू रिमूव हटाने के लिए द पार्टिकल, ज़र्रात को। अगर धोने के बाद बट्टी और रेज़े ज़ख़म के अंदर रह जाएं, तो ज़र्रात हटाने के लिए अल्कोहल से साफ़ किया हुआ मोचना इस्तेमाल करें। अगर धोने के बाद मट्टी और रेज़े ज़ख़म के अंदर रह जाएं, तो ज़र्रात हटाने के लिए अल्कोहल से साफ़ किया हुआ मोचना इस्तेमाल करें। अगर डेब्री रेज़े स्टिल अभी तक रिमेन्स मौजूद रहें, सी योर डॉक्टर, डॉक्टर से रजू करें, डॉक्टर से मशवरा करें। अगर रेज़े अब भी मौजूद रहें, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। थॉरो मुकम्मल, कंप्लीट क्लीनिंग, सफाई, रिड्यूसेस, कम करती है द रिस्क, ख़तरे को, ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम, जदगी के, एंड टेटनस, और तशन्नुज के। मुकम्मल सफाई जरासीम, जदगी और तशन्नुज का ख़तरा कम कर देती है। नेक्स्ट है अप्लाई लगाएं एन एंटीबायोटिक, जरासीम कुश दवा लगाएं। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जब आप ज़ख़म साफ कर लें, आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, अप्लाई लगाएं अ थिन लेयर, पतली सी तह ऑफ एन एंटीबायोटिक, जरासीम कुश क्रीम की, और ऑइंटमेंट या मरहम की, टू हेल्प कीप द सर्फिस मॉइस्ट,
सतह को नमदार रखने के लिए, टू हेल्प कीप द सर्फिस मॉइस्ट, सतह को तर रखने के लिए। जब आप ज़ख़म साफ़ कर लें तो सतह को तर रखने के लिए जरासीम कुश करीम या मरहम की हल्की सी तह लगाएं। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। द प्रोडक्ट्स चीज़ें यानी अद्वियात, मरहम वगैरह या एंटीबायोटिक वगैरह, द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील, हील का मतलब होता है ज़ख़म का ठीक हो जाना, मुंदमिल हो जाना। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, ये चीज़ें ज़ख़म को तेज़ी से मुंदमिल नहीं करती, बट लेकिन दे कैन हेल्प, वो मदद कर सकती हैं योर बॉडीज़ आपके जिस्म के नेचुरल फितरी कुदरती हीलिंग प्रोसेस मुंतमिल करने के, ज़ख़म को ठीक करने के, शफायाब करने के अमल को वर्क फास्ट तेज़ करने में। ये चीज़ें, ये अद्वियात ज़ख़म को तेज़ी से मुंतमिल नहीं करती, लेकिन ये आपके जिस्म के कुदरती तौर पर शफायाब होने के अमल को तेज़ कर सकती हैं। सर्टन इन्ग्रीडियंट्स इन सम ऑइंटमेंट्स कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल, सर्टन मुख्तलिफ या बाज़ इंग्रेडिएंट्स अज्ज़ा इन सम ऑइंटमेंट्स कुछ मरहमों में कैन कॉज, बायस बन सकते हैं अब माइल्ड मामूली रैश धप्पड़ का इन सम पीपल कुछ लोगों में। बाज़ लोगों के लिए मरहम में मौजूद मुख्तलिफ अज्ज़ा मामूली से धप्पड़ का बायस बन सकते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, इफ़ अगर अ रैश एक कोई धप्पड़ अपीयर्स नमूदार हो, स्टॉप बंद कर दें यूजिंग इस्तेमाल द ऑइंटमेंट मरहम का, अगर कोई धप्पड़ नमूदार हो तो मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। नेक्स्ट है कवर द वाउंड, ज़ख़म को ढांपें, कवर ढांपना। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन, बैंडेजेस पट्टियाँ कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन, ज़ख़म को साफ रखने में मदद दे सकती हैं। एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया और नुकसानदेह जरासीमों को, बैक्टीरिया को आउट, दूर रखने में। पट्टियाँ ज़ख़म को साफ रखने और नुकसानदेह जरासीम को दूर रखने में मदद दे सकती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ, जब ज़ख़म इस कदर मुंदमिल हो जाए टू मेक इन्फेक्शन के जरासीम जदगी अनलाइकली नामुमकिन हो जाए या जरासीम जदगी का इम्कान न रहे, जब ज़ख़म इस कदर मुंदमिल हो जाए कि जरासीम जदगी का इम्कान न रहे, एक्सपोयर खुला छोड़ना टू द एयर हवा में विल स्पीड तेज़ कर देगा वाउंड हीलिंग ज़ख़म के मुंदमिल होने के अमल को। जब ज़ख़म इस कदर मुंदमिल हो जाए कि जरासीम जदगी का इम्कान न रहे, हवा में खुला छोड़ना मुंदमिल होने के अमल को तेज़ कर देगा। तो आज जो पढ़ाया गया है या पहले जो पढ़ाए गए इसके पैराग्राफ्स, उनको अच्छी तरह याद करना है, उनकी ट्रांसलेशन, इस पे जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स भी अच्छी तरह याद करने हैं। थैंक यू वेरी मच।